ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेति। मित्रों, आज बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की दिनांक 7/5/2021 से दिनांक 14/5/2021 तक कैसा रहेगा हमारी 12 राशियों का भविष्य, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि अर्थात मेख राशि से। इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, आर्थिक प्रगति होगी, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, ग्रही स्थिति में परिवर्तन के कारण यश में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की द्वितीय राशि अर्थात वृख राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आर्थिक प्रगति के योग बन रहे हैं, किसी कार्य के पूर्ण होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी, राजद्वार से उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। राशि चक्र की तृतीय राशि अर्थात मिथुन राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक उन्नति होगी, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, राजद्वार से सम्मान की प्राप्ति होगी, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, संतान के सुख में वृद्धि होगी, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की चतुर्थ राशि अर्थात कर्क राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, आर्थिक उन्नति होगी, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, राजद्वार से उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, मौसमी रोग हो सकते हैं, आर्थिक प्रगति होगी, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, किसी लंबित कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होगा, देव दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होगी। राशि चक्र की छठी राशि अर्थात कन्या राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक विकास का कोई नया मार्ग प्रशस्त होगा, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, वाहन सुख में वृद्धि होगी, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की सातवीं राशि अर्थात तुला राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव संभव है, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, राजद्वार से उपहार व सम्मान का लाभ प्राप्त होगा, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की आठवीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, मौसमी खांसी जुखाम हो सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। राशि चक्र की नवीं राशि अर्थात धनुराशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आर्थिक प्रगति होगी, राजद्वार से उपहार व सम्मान का लाभ प्राप्त होगा, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, संतान के संबंध में किया जा रहा प्रयास सार्थक होगा। राशि चक्र की दसवीं राशि अर्थात मकर राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा, आर्थिक प्रगति होगी, किसी कार्य के पूर्ण होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, कोई नई उपलब्धि प्राप्त होगी। राशि चक्र की ग्यारहवीं राशि अर्थात कुंभ राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक प्रगति होगी, उपहार व सम्मान का लाभ प्राप्त होगा, कोई बड़ी खरीद कर सकते हैं, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, सप्ताहांत में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। राशि चक्र की बारहवीं राशि अर्थात मीन राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, किसी कार्य के पूर्ण होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी, किसी नई जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे, कारोबार में लाभ होगा, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों, यह था हमारा साप्ताहिक राशिफल जो कि दिनांक 7/5/2021 से दिनांक 14/5/2021 तक हमारी समस्त 12 राशियों पर प्रभावी रहेगा। मित्रों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।